want my money back! हम भी तो बिन माँ के बच्चे थे, हमारे बाऊजान ने तो हमें कहीं नहीं छोड़ा। तुम्हारी दो दो चाचीज मौजूद थी इस घर में, यही तो फायदा होता है मिलजुल के रहने का। मैंने तो आज तक नुकसान ही उठाया है और अब मेरी बीवी उठा रही है। इस अफरा तफरी के चक्कर में वो पेपर्स की तैयारी नहीं कर पाई। जान, मैंने और सफू भाभी ने तो कहा था ना उसे। कह देना काफी नहीं होता चच्ची, इंसान को एहसास करना पड़ता है एक दूसरे का। अभी पेपर देकर आई है वो, अब उस ट्यूटर की बच्ची के चक्कर में चली गई फिर दोबारा हॉस्पिटल। तो अभी वापस तो आ जाएगी? आ तो जाएगी, जाएगी कहाँ। तो फिर मत भेजना उसको दोबारा, पढ़ा लेना। अरे तारा जैसी नहीं है ये, चांद के अपने दिमाग का फनास है। लहजा देखा था आपने उसका? मैं ना देखूं ना तो भी जानती हूँ मैं उसको, इन हाथों में ही पला है वो। तुम दरगुजर करो। बातें तो दरगुजर कर दी हैं भाभी, लेकिन लहजा ना खुब गया है दिल में मेरे। ये ले। देखिए मैंने बच्चे की हेल्प करने के लिए लिया है, मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है। फूल गलत इंटेंशन से दिए भी नहीं जाते। आप फूलों की जबान जानती हैं? मुझे दुनिया की हर जबान समझ में आती है, बस समझने वाला दिल होना चाहिए। जाओ जाके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। नहीं, मेरा प्रोजेक्ट उनसे ज्यादा अहम थोड़ी है कोई यार। यही बात तुम्हें सारे में समझाती हूँ, रिश्ते अहम होते हैं, चीजें तो मिल जाती हैं जो किस्मत में होती हैं। भाई मैं अपनी किस्मत खुद बनाने पे यकीन रखता हूँ। जिसका जो यकीन होता है अल्लाह ताला उसे वो ही दे। ये घर कम और मुझे इमरजेंसी वार्ड ज्यादा लगता है। हाँ भाई, शादी के बाद से घर कुछ ज्यादा ही नहीं चुभने लगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं चची, इसका ये मतलब नहीं था। तारा तुम चुप करो, मैं जरा चांद से बात कर लूँ। चची मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, वापस आके बात करता हूँ। हाँ तो कोई फ्लाइट नहीं है जो पकड़नी है। तारा क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था हॉस्पिटल रुकने से? हॉस्पिटल के बाद कहाँ से आ गए चची? क्योंकि चांद को लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। चची आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था सारी ने आपसे ये सब कुछ कहा है, उसके लिए ना मैं आपसे माजरत करती हूँ। छोड़ो तारा, उसकी तो आदत है ज्यादा बोलने की, लेकिन उसके बाद वो भूल भी जाता है क्या बोला है। ऐसे दिन का बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन उसको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। चलो तुम अपना दिल बुरा मत करो, मैं कान खींचूंगी उससे। और ये गजरे किसने दिए? उसी ने दिए, ट्यूटर ने। हाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं दिए उसने। हमारे मर्दों के इरादों का ना कुछ पता नहीं चलता है, बस तुम इस बात पर गौर जरूर करना कि वो तुम्हें किस बात का ट्यूशन देना चाह रहे हैं। अभी मैरिड है वो, और वो भी एक बच्ची का बाप। बच्चों के बाप की कोई फीलिंग्स नहीं होती है क्या? यंग है वो, हैंडसम है, और सबसे बढ़ के सिंगल है। हाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। ये बात हम तुमसे हमारे बीच कब पहुंच गई? आई स्वेयर मम्मा, ये ससुराल नहीं एक टॉर्चर सेल है, और यहाँ ना सिर्फ गुलजार अंकल का अंधा कानून चलता है। रूमी गलत बयानी मत करो, उस घर में गुलजार साहब सबसे हम्बल और सबसे लविंग पर्सन है। हाँ वो बहुत स्वीट है, इसलिए तो मेरा फोन छीन कर रख लिया अपने पास। हाँ तो इसके पीछे भी तुम्हारी और हाशु की कोई मस्ती होगी। आई प्रॉमिस कोई मस्ती नहीं है, बस उनको शौक है कि हम सांस भी ना उनसे पूछ कर ले। हर दिन कोई नई पाबंदी लगा देते, तुम दम घुटने लगा इस घर में। ऐसे तो नहीं लगते गुलजार साहब। मैंने तो स्वीटू को साफ साफ कह दिया है मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, या मुझे अलग करे या मुझसे अलग हो जाए। मैंने फैसला किया है कि ये दोनों हमारे डिफेंस वाले फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। ओह माय गॉड, फिर बाबू भैया क्यों शिफ्ट कर रहे हैं लोगों को अपने डिफेंस वाले फ्लैट में? कौन से सारी जिंदगी के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, चंद महीनों की तो बात है। लेकिन बाबू भैया वो फ्लैट तो अभी हमने खाली करवाया था पुराने किराएदारों से, तो इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी फैमिली के कुछ लोग वहाँ रहें ताकि किसी झंझट में ना फंस जाऊँ। वो फसादी लोग नए किराएदारों को भी गुमराह करें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है बाबू भैया तो चांद तारा को वहाँ भेज देते हैं, ये दोनों तो अभी काफ़ी छोटे हैं। तारा तो कभी नहीं जाएगी मस्ती। नहीं हम रह लेंगे, क्यों स्वीटू रह लेंगे ना। बाबू जी उसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं बेटा गलती तो मुझसे हुई है, खाम खाम आप लोगों के सेल फोन रख लिए मैंने। दरअसल पुराने दौर का आदमी हो ना तो अभी तक मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। क्यों दूर कर रहे हैं हमें खुद से?
अरे तू तो मेरा टिकटॉक स्टार है, तुझे मैं कैसे खुद से अलग कर सकूं? मुझे नहीं जाना किसी फ्लैट में। बेटा कुछ अरसे के लिए चले जाओ, हो सकता है कि इसी तरह तुम दोनों में कोई एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए। एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के लिए आप हमें खुद से अलग कर रहे हैं? मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को और गहरा और मजबूत करने के लिए वक्ती तौर पर तुम्हें अलग कर रहा हूँ। बाबू जान आप जान है मेरी, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर, समझे ना प्लीज। बेटा जब जी उदास हो तो फिर वापस आ जाना बीच में। चले भाई सब जल्दी से आ जाए, गुड न्यूज है। चले और कोई लंबी नहीं छोड़नी है, बताओ क्या कोई प्राइड रोड निकला है तुम्हारा? आप यही समझे चाचा, जब कोई खुशी की खबर है तो फिर मैं अपने बहन वालों को बुला के लाता हूँ यार, अभी अनाउंसमेंट नहीं करना प्लीज। बेफिक्र होके जाएं आप। किसी के बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे तो हमारे फ्लैट में होगा नेक्स्ट वीक। एक मिनट, अब किसका फ्लैट और किसकी बर्थडे हो रही है? तुम्हें नहीं पता, बाबू भैया ने इन दोनों को अपने फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। इन दोनों स्टार्स को? सिर्फ एक दो महीने के लिए, इससे ज्यादा नहीं रहूंगा मैं। वाह भाई तुम्हारी तो लॉटरी लग गई यार, मजे करो भाई। इसमें लॉटरी लगने वाली क्या बात है, उल्टा दोनों बोर ही होंगे। आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? अरे नहीं नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, वो बाबू भैया अपना फ्लैट किसी और को नहीं देना चाह रहे थे ना कुछ अरसे के लिए, तो इस वजह से। तो चची उसे लॉक कर देना, अब रूमी और हासू के बगैर तो यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। नहीं ना स्वीटू, गुलजार अंकल ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। नहीं मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। अरे डफर आउट ऑफ सिटी थोड़ी ना जा रहे। चलो भाई मेरा बैंड आ गया, अब बताओ सरप्राइज। सरप्राइज ये है। ये क्या है? सारे अब बता भी दो। बता रहा हूँ एक मिनट यार। भाई मेरी एक जबरदस्ती जॉब लग गई है, बहुत अच्छे पैकेज के साथ। गाड़ी घर और मेडिकल के साथ कई अलाउंसेस हैं। ओह वाओ इट वाज फुल। चलो भाई जिंदा नाचो बजाओ बैंड। गोन देयर। नौकरी कहाँ मिली है तुम्हें? आयरलैंड। किधर? आयरलैंड आयरलैंड। अरे भाई बंद करो ये। सारे कहाँ हो ये तुम्हारी नौकरी? अरे कह तो रहा हूँ आयरलैंड। आयरलैंड? अरे भाई बजाओ कोई आयरलैंड सॉन्ग बजाओ यार, कम ऑन। अरे भाई बंद करो आयरलैंड जाकर बजाओ ये। भावे वो आयरलैंड कैसे जा सकते हैं, उनके पास तो वीजा ही नहीं है, बल्कि उनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। मेरे शहजादो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही कह रहे हैं, पार्टी तो अब शुरू होगी। लेकिन गूगल मैप तो बहुत दूर दिखा रहा है आयरलैंड यहाँ से। अगर सब चले जाएंगे तो मैं वाटर गन से पानी किस पर फेंकूंगा? तेरे दुख की वजह से ही तो जा रहे हैं सब लोग। लेकिन सारे नौकरी यहाँ पर रहकर भी तो की जा सकती है। अरे चची यहाँ मेरी ऐसी नौकरी कहाँ लगी? अरे यहाँ वैसे ही खानदानी नौकरियों की कमी है यार। हाँ लेकिन देखे मुझे तो मिल गई नौकरी। हाँ इसी बात पे बजाओ बैंड। यार सर में दर्द हो रहा है भाई, बंद करो यार। यार कोई बैंड बजाने ही नहीं दे रहा, मैंने इनको रखा क्यों है? चुप हो जाओ भाई। और मुझे टेंशन हो रही है। ये भी अपने नाम की एक ही फिल्म है। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस भाई, इट्स ग्रेट न्यूज़ चांद भैया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमारा दिल कैसे लगेगा जब ये सारे बच्चे चले जाएंगे? तो जानू मैं वो ना। सारे कितने अरसे के लिए हुआ है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? फिलहाल तो एक साल के लिए हुआ है, लेकिन एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है इतने में तो मेरी रेजिडेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ रहकर। क्या मतलब भाभी आप नहीं जा रही भाई के साथ? मैं क्यों जाऊंगी, नौकरी तुम्हारे भैया की हुई है, वे जाएंगे वहां पर। क्या मतलब मैं समझा नहीं, तुम यहाँ रहोगी? हाँ बाऊजान और चचीज के साथ, तुम कुछ अरसे में यहाँ चक्कर लगाते रहना। चलो भाई अब बजाओ बैंड।
तुम दुनिया की पहली बीवी हो जिसे अपने शौहर के बजाय उसके ससुराल वालों से ज्यादा मोहब्बत है। तुम भी दुनिया के पहले शौहर हो जो अपने खानदान से जेलस हो रहा है। तारा तुम कुछ भी कह लो यार, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बस। यार मेरी रेजिडेंसी चल रही है। मैंने पता कर लिया, वो तुम वहाँ जाके भी कर सकती हो। तारिफ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब कोई बात भाभी, तारा भाई वो जो सफो चाची को आपने रात में मेडिसिन बताई थी ना वो लिख दे। अच्छा चलो। थैंक यू। ये प्रॉब्लम जब कोई बात करने खड़ा हो कोई ना कोई पेड़ से टपक पड़ता है पके हुए आम की तरह। तुम्हें टाइम का इशू है ना, मैं मैनेज करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज तुम ये मुल्क से बाहर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकालो। तुम कयामत तक इस घर में टाइम मैनेज नहीं कर सकती हो। अभी सारे पानी नहीं आ रहा है, प्लम्बर को बुला लो। जी मैं देख लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि आयरन कब जा रहे हो? बस यही नेक्स्ट मंथ। जाओ गुड लक। इस घर में रह के तुम कयामत तक टाइम मैनेज नहीं कर सकती हो। तुम इस वजह से जाना चाहते हो? तारा मेरी जॉब लगी है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा ही खानदान है, मुझे परवाह है इनकी। यार हाशू और रोमी भी अलग हो रहे, हम दोनों भी चले गए तो कयामत नहीं आ जाएगी। अब तुम देखो वो टिड्डा कैसे चला गया, पता नहीं बाबूजान को कैसे मना लिया उसने, उसी से कुछ सीख लो तुम यार। भाभी शदीद माइग्रेन हो रहा है, प्लीज को दवाई दे दो। अच्छा मैं देती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजे पे लिखवाने नैन तारा हॉस्पिटल 24/7। इन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, छोड़ो ये लो। हाशु कोई टेंशन है क्या? है ना भाभी, 5'4" की टेंशन बाहर फिर रही है। आ मिले हो वही या फिर यूं ही आ मिले हो। घर छुड़वा रही है यार, क्योंकि स्पेस चाहिए उसको फुदकने के लिए। तुम अगर नहीं जाना चाहते तो समझाओ ना उसे। अब मैं समझा लिया चांद भाई को, समझेंगे भी नहीं, दोनों में बिल्कुल सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ना जाने कौन सा कचरा भर गया दोनों के दिमाग में। थैंक यू दवाई के लिए। जान साहब कहाँ चले गए? सर मुझे पता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मैं नहीं आ सकती हूँ कैंप ज्वाइन करने इस्लामाबाद। सर एक्चुअली देखिए मेरा भाई आयरलैंड जा रहा है और मैं अपने फादर को अकेले तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। हेलो मैं गुलजार बोल रहा हूँ, माला का बाप, शुमाइला का फादर। आप इसका नाम लिख लें। जी जी लिख लें, ये ज्वाइन करेगी कैंप, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये ज्वाइन करेगी। ठीक, बेफिक्र हो जाए, खुदा हाफिज़। बाऊजान मुझे वाकई नहीं जाना है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना तुम्हारा ख्वाब था, अगर इस घर के लड़के अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? पर जैसे लड़कियां सोचती हैं वैसे लड़के नहीं सोचते हैं ना। बात लड़के लड़की की नहीं है, एहसास की है। अगर चांद को अपना करियर अजीज है और रूमी को अपनी प्राइवेसी, तो हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारे। तो आपने इसलिए उन दो स्टार्स को अलग किया? आपको ये सबके सामने बात बतानी चाहिए थी ना बाबूजान। क्या बताता भाई, अगर वो हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। पर मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेटियों को तो एक ना एक दिन घर छोड़कर जाना ही होता है। क्यों बाबूजान, लेकिन मैं आपकी बहू हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बेटा ये तुम्हारा कहना ही काफी है, है? लेकिन तुम्हें अपने शौहर के साथ होना चाहिए, तुम दोनों को साथ इकट्ठे रहना है। सॉरी बाऊजान, लेकिन आपने खुद कहा है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारने का पूरा हक है। भाई करियर तो बन ही जाएगा ना, लेकिन पेरेंट्स तो नहीं मिलते। सॉरी पापा। अस्सलाम वालेकुम पापा। मेरा भी सलाम कहिए। बाऊजान आपको सलाम कह रहे हैं। भाभी मेरा भी, मेरा भी। और माला ने भी सलाम कहा है। मुझे लगता है आप तो अपनी बेटी को भूल ही गए हैं, मामा के साथ कुछ ज्यादा ही दिल नहीं लग गया आपका? आए गुल्लू छोड़ कर चली गई अपने गुलजार को। पर गुल्लू की बेटी तो डरी है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। मैं और मेरी माला अक्सर ये बातें करते हैं, गुल्लू होती तो ऐसा होता, गुल्लू होती तो ऐसा होता। गुल्लू इस बात पे खुश होती, इस बात पे हैरान होती है। मैं तेरी अखियों का तारा,
तू मेरे मन का चांद। Hi guys, आप लोग सब सोच रहे थे ना कि हम दोनों कहाँ गायब है सोशल मीडिया से, तो ये एक्चुअली एक सरप्राइज है। मैं और स्वीटू शिफ्ट हो रहे हैं अपने अलग घर में। कमेंट की। Okay guys, next video न्यू होम में बनाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय। तुम क्यों दुपट्टा बांध के घूम रहे हो? तो मैं तो बांध नहीं सका, सोचा ये बांध के फिर लूं। तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं दबा दूं? तुम ही मेरा गला दबा दो और फिर वीडियो बनाना और वो लगा देना सोशल मीडिया पे, तुम्हारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे 2-4 मिलियन। हाउ रूड, तुम क्यों काट खाने को दौड़ रहे हो मुझे? मैंने असल में काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन लग जाएंगे। रूमिया मुझे सोने देना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बिल्कुल सफीरा आंटी लग रहे हो। सुनो, तुम तो हंस भी नहीं रहे हो। ओके फाइन, व्हाटएवर। सारे क्या है? बात तो करो ना मुझसे, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है? तुम मुंह से बता नहीं सकते हो क्या? तुम दिमाग से समझ नहीं सकती हो क्या? तुम्हारे मामले में दिमाग से नहीं बल्कि दिल की सुनती है। भाई बड़ा ही जबरदस्त दिल है जो हमेशा मेरे खिलाफ ही चलता है। सारे मेरी रेजिडेंसी चल रही है ना। रेजिडेंसी का सिर्फ तुम बहाना बना रही हो। बाबूजान अपसेट हो जाएंगे। हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं हाशु को। वो बात कुछ और है, मेरी भी करियर की बात है और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ और इस बार मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा तारा, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अब कहाँ जा रहे हो? दया हुआ था ना हमारे दरमियान, जो नाराज होगा वही रूम छोड़ेगा। क्या हो गया है? कल मेरी बेटी की बर्थडे है, आप आएंगी ना? कितने लोग इनवाइटेड है? सिर्फ MMM। सिर्फ MMM। MMM? मेरे पास बैलेंस नहीं है, अभी कहां से लोड करवाऊं? अभी जैस कैश से लोड कर देता हूं। जैस कैश? Wow, that was quick. Hello? MMM का क्या मतलब है? MMM से मुराद है मोहित, मन्नू एंड माला। वाह भाई, आप तो वाकई उस्ताद हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप मन्नू की बर्थडे पार्टी में आएंगी ना? आप एक काम करें ना, मन्नू की बर्थडे का सारा सामान लेके हमारे घर आ जाए, वहाँ क्या खाक मजा आएगा, यहाँ सब लोग हैं, सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। पहले मैंने भी ये सोचा था लेकिन फिर मुझे ऑड लगा इसलिए बोला नहीं। भाई हमें कतन ऑड नहीं लगेगा, बस आप अपना सारा साजो सामान और 2 अदद थर्मोस के चाय के बनाकर खुद ले आइएगा। डन। ये लो सारे, तुम्हारी इस्त्री कर दिए शर्ट। अरे किन? ओ भाभी आए ना, मुझे आपको बात बता दिया क्या? अच्छा आओ।
तुम्हारी कहानी में आके सुनती हूँ, मैं जरा नाश्ता दे दूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा, बहुत बेस्ट स्टोरी है मेरे पास आपको सुनाने के लिए। जब अब ले जाएं। मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा आयरलैंड बोलदा। क्या हुआ है? वो नाराज है ना। तो क्या हुआ, मना लेना उसे। मैं तो कहती हूँ एक अच्छा सा आइडिया सोचो, रोमांटिक सा, और देखना तुम मान जाएगा। मैं तो बच्चे को ऐसे ही मनाती हूँ। चलो आज सोचते हैं, एक काम करते हैं कि हम लोग रेड बलून्स और रेड फ्लावर्स लेकर आते हैं। सॉरी, वो बस जी। तो आपका कब से आप कह रही हैं आपको ये इशू हो रहा है? लाइक इनकी रिपोर्ट चाहिए जी। मैं देख लेती हूँ आपका लास्ट टेस्ट किस डेट को हुआ है। ठीक है, मैं इनका टेस्ट लिख के दे रही हूँ। ये आप और मेडिसिन का आप काम कर लीजिए। थैंक यू। इसके अंदर डाल देते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। ध्यान से कीजिएगा। हाँ, डोंट वरी। इसके अंदर कुछ डाला है? सफू भाभी,
मिसेस अजमल का फोन आया है, वो जो मेरी मुस्तकिल क्लाइंट है ना सैलून की, उनका खैरियत? अरे उनका भांजा आया हुआ है कीनिया से। सर के लिए चाय की पत्ती मंगवा लिए? तुम भिजवा देना वहाँ से। मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? तुम्हारे तो रिश्ते के लिए आ रहे हैं वो लोग। अरे सर का हाथ कट गया। अरे अरे ध्यान से बेटा, तुम जाओ जल्दी से जाके तारा के कमरे से ले आओ बैंडेज ले आओ। जी चाची। दिखाओ, ध्यान से काम करो ना भाई। स्वीटू तुम अपनी सारी बुक्स लेकर जाओगे? शुक्र करो मैं जा रहा हूँ। सारी शुक्राने की नफल वहीं जाकर पढ़ूंगी मैं। स्वीटू तुझे क्या तकलीफ थी तुम्हें यहाँ पे? नहीं मैंने ऐसा कब कहा। जश्न तो ऐसे ही मना रही हो जाने का। बीबी मैं सिर्फ अपनी प्राइवेसी एंजॉय करना चाहती हूँ। बड़ा कोई एटमी प्रोग्राम है ना तुम्हारा कि प्राइवेसी चाहिए। बस करो चली कटी बातें। आज बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ना हम फॉरन निकल जाएंगे अपने फ्लैट के लिए। आप तो अपने बास्केटबॉल गोल सेट करने की बात कर रही थी तो, लेकिन यहाँ तो आपके कपल गोल सेट करने की बात हो रही है। ये सेटिंग तो 2 साल से चल रही है। मतलब? मतलब कि कभी फ्यूज हो जाता है सेटिंग का, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है वायरिंग में, और फिर से कोई लॉट काम चलने लगता है। मतलब कि मैं तसल्ली रखूं? किस बात की? यानी कि जब तक डॉलर और पिंकी की ट्यूशन चल रही है मेरी चाय की सप्लाई बननी होगी। मेरी माने किसी को हायर कर ले मुस्तकिल बुनियादों पर। जी यही सोच रहा हूँ कि वैकेंसी अनाउंस कर दूं। सर आपकी चाय रेडी हो गई है, आ जाएं। ओके। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? पहले हो रहा था, अब नहीं। अच्छा वो पिंकी और डॉलर कोई कार्रवाई ना कर दे मनु के साथ, जल्दी चले। जी तुम यहाँ क्यों? तुम मेरे हॉस्पिटल आ सकते हो तो मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती क्या? अच्छा ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा यार? सुनता है तो सुनता रहे, बीवी हूँ तुम्हारी। चलो शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। अच्छा बाकी की जली कटी बातें गाड़ी में सुना देना, माला की बार बार कॉल आ रही है। चलो लो चाबी तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। क्यों? मैं खुद गाड़ी चलाकर आई हूँ, कोई उड़ के नहीं आई हूँ। चलो मेरी मौजूदगी में तुम्हें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, लाओ मुझे कीज दो। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारी गाड़ी का स्टीयरिंग कोई औरत अपने हाथ में रखे? जिंदगी का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में दे दिया, ये गाड़ी क्या चीज है यार। चलो तुम बड़े मेरे मुताबिक चलने वाले, ये लो। अच्छा सुनो घर जाके मुझे अपना पासपोर्ट दे देना, मुझे स्कैन करा के उसको ईमेल करो। अरे भाई तुम चला लो गाड़ी, ये लो चलो। माशाल्लाह से 2 साल की हो गई हमारी बच्ची। जी जी माशाल्लाह। बेटियों के बड़े होने का पता ही नहीं लगता। केक दे, केक दे। भैया वो फिर से कॉल कर रही है। तुमने मेडिकल एक्सपेंसेस तो भिजवा दिए? हाँ ब्लॉक करो। Thank you.
ये लीजिए। मैं जरा प्लेट लिया। सुनो, ये तुम्हारे और तारा के बीच में कोई अनबन हुई है क्या? हाँ, क्योंकि मैं इसके तुम बिन पैकेज को फॉलो नहीं कर सकता। चाची, मैं अपने रूम में हूँ। याद आया बाबू भैया, वो मिसेज अजमन का बार बार फोन आ रहा है। उनका भांजा आ रहा है ना कीनिया से माला के लिए। बुला लो शाम में। ओह माय गॉड, डॉलर पागल हो क्या? देखिए, आपका हाथ जख्मी ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी, माला भी गलती से टूट गया। अरे बेटा, हाथ जख्मी हो जाए तो ठीक हो जाता है, दिल जख्मी नहीं होना चाहिए। सॉरी, वो मेरा बच्चा ना बहुत ही बेचैन है। बिल्कुल अपनी अम्मी पे गया है। कोई बात नहीं, फ्रेम तो बाद में बन जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी के लिए इतना यादगार इवेंट किया। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारी बेटी की तरह है। बल्कि दुआ करो कि हमें भी अल्लाह ऐसी बेटी नवाजे। हमारे खामखा के स्टार, कुछ काम कर लो, ये सारे गिफ्ट जो हैं गाड़ी में शिफ्ट करवाओ। अंकल, आज तो हम भी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मैडम, पहले गिफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, फिर हम भी हो जाएंगे। अरे खबरदार, किसी चीज को हाथ लगाया तुमने। अरे डॉलर को मत डांटे ना। डॉलर, आप एक काम करो, जाओ मन्नू की गाड़ी में सारा सामान रख दो। चले, हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। और आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कैसे जाओगे भाई, अभी केक खाया है, अब तो चाय पीने का टाइम हो रहा है इतना खूबसूरत मौसम में। माला, इलायची वाली चाय हो जाए। क्या हुआ, चाय का सुन के रुक गए ना? इलायची की खुशबू ने रोक लिया। अरे भाई, चाय ना होगी पुलिस का नाका हो गया अगर रुक गए। लेकिन अच्छी बात है, रुक गए भाई, केक के साथ चाय तो बहुत अच्छी है। इलायची वाली चलें भाई, चाय बनाते हैं। जी जी बाबू भैया, खाने का भी इंतजाम किया हमने। बहुत मजे की आईटी है। लेकिन पहले चाय हो जाए। पासपोर्ट ढूंढ रहे हो मेरा? अब इस छोटी सी दराज में हाथी घोड़े तो तलाश करने से आराम है। मामा के घर पर है। चलो फिर लेकर आते हैं। मुझे नहीं जाना सारे। अपने घर नहीं जाना? आइलैंड नहीं जाना है मुझे। तुम ही अकेले रह लोगी मेरे बगैर? सारे में एक साल की तो बात है, और फिर सब है ना मेरे साथ। और मैं कैसे रहूंगा अकेले वहां, ये सोचा है तुमने? तुम इसीलिए तो कह रही हो, मत जाओ ना, यही कोई जॉब तलाश कर लो। कॉल आ रही है तुम्हारे पापा की, उठाओ पहले ये। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, कैसी हो तारा बेटा? एक जरूरी बात ये कहनी है कि तुम्हारी माँ की अगर कॉल आए ना, तो बिल्कुल उससे बात करने की जरूरत नहीं है, फोन मत उठाना। क्यों, क्या हुआ है पापा? अरे तुम्हारे खून की प्यासी बनी घूम रही है वो न्यूयॉर्क की रोड्स पर। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे पता करवा लिया उसने अपने सोर्सेस से कि तुम्हारा एग्जाम पास नहीं हुआ। क्या, एग्जाम पास नहीं हुआ? हाँ बेटा, उसके अंदर की चुड़ैल जाग गई है। तुम्हारा लहू पी जाएगी, इसलिए दो चार दिन बात मत करना उससे। ओके, टेक केयर। वैसे मैं हूं ना। ओके मेरी जान। जी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, फेल हो गई आप। मुझे पता था यही होगा तुम्हारे साथ। चांद भैया आ जाए, वो ना आशु भैया जा रहे हैं अपने नए घर। बेटे बहुत लकी है वो, आप चलो हमारे। ओके। जान छुड़ा के भाग रहे हो यहाँ। मुझे 100% यकीन था यही होगा तुम्हारे साथ। अब यहां बैठ के दमाल डालो। अच्छा खासा करियर था, अपने करियर पे डब्बा लगा लिया फिर उन्होंने कहा। चांद और मैं तारा।